इस गांव में किसी को भी रिवाज के खिलाफ बोलने की इजाजत नहीं है और नियम तोड़ने वाले को कठोर से कठोर सजा दी जाती है। सुना है बहुत हसीन हो, इसलिए ज्यादा मेहनत करने के लिए खुद को तैयार कर रहा हूँ। मैं आपसे सब नहीं करूँगा, न आप लोगों को करने दूंगा, बंद कीजिए सब। वाह, कितने अच्छे सरपंच हैं आप इस गांव के। हमें आपके साथ इस रिवाज को पूरा करने में कोई परेशानी नहीं। अगर मैं ज्यादा जोश में आ गई तो आप संभाल लेंगे मुझे। निराश नहीं करेंगे तुम्हें। सच? आप सभी को अपने दोस्त ऋषभ से मिलवाना चाहते थे और अब मैं ऋषभ से शादी करना चाहती हूँ। तुमने इसे चुन ही लिया है तो हम कैसे मना कर सकते हैं? सुहागरात पर हर बार लड़काई क्यों शुरुआत करे, लड़की भी तो कर सकती है। तो फिर आज मैं शुरू करूं? आज हम दो जिस्म एक जान हो जाएंगे। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, लगता है सरपंच की बिटिया कुंवारी ना है। रिवाज के मुताबिक ऋषभ जी आपको बताना होगा, कल रात मेघा के साथ संबंध बनाते वक्त आपको क्या पता चला? वो कुंवारी नहीं है। ये झूठ बोल रहे हैं। एक लड़की की पूरी बात सुने बिना एक लड़के के झूठ पर यकीन कर रहे हो तुम लोग? ऐसे तो हर बार हर लड़की कहती है, पर उसे भी सजा मिलती है ना। रिवाज को पूरा करो, बाकी लोगों के साथ जो हुआ वो इनके साथ होना चाहिए। हाँ, पर अपने मर्जी से तीन मर्द चुन सकती है। हमने तीन लोगों को चुन लिया है। कौन है? स्कूल टीचर राजू, सुखी लाल जी और विघ्नेश चाचा।